नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आपको हमको सभी को बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस फील्ड में जाएं, हम क्या करें। एक बहुत छोटा सा सिम्टम्स मैं आपको ऐसा बता दूं जिसको देख करके आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। वैसे दोस्तों, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो आपके कर्म हैं, कितनी बार ऐसा होता है, इंसान की भाग्य की रेखा, हाथ की लकीरें जो भी हो, कितनी भी खराब हो, इंसान यदि अपने आप को मक्कम कर ले, डिटरमिन्ड हो जाए कि यस, मुझे मैं इस ये जो लिखा हुआ है मेरे भविष्य में इतना गलत होना, मैं इसको होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगी, मैं इसके बदले में बहुत सारी मेहनत करूंगी, बहुत सारे अच्छी कोशिशें करूंगी ताकि ये फल मुझे ना भोगना पड़े, और उसका फल बदल जाता है, उसका भविष्य बदल जाता है। ऐसे ही कितने अय्याश लोग होते हैं, वे सिर्फ अपनी कुंडली को देख लेते हैं, कुछ लकीरों को देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि यस, मेरे भविष्य में तो अच्छा ही अच्छा होना है, और आज से ही कर्म करना छोड़ देते हैं, आराम करने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति आराम करने लग जाता है, कर्म करना छोड़ देता है, वहीं से वो अपने भविष्य पर चौकड़ी मारना शुरू कर देता है, चेक्स लगने लग जाते हैं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, कितना ही अच्छा भविष्य उसकी कुंडली में लिखा हो या उसके हाथ की लकीरें बनी हो, वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसे देख करके आप समझे, लेकिन यदि आपके अंदर वो चीज ना दिखाई दे तो कभी आप डिप्रेशन में ना आ जाए कि मेरे हाथ में तो ये चीज नहीं है, मतलब कि मैं नहीं बन सकती, या फिर किसी के हाथ में ये चीज दिखाई दे जाए और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि यस, मेरे हाथ में तो ये चीज है, मतलब कि मेरा तो अच्छा ही होने वाला है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे, आप हमेशा अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर रखें कि आपका कर्म क्या है। जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को सच करने की दिशा में आप कर्म कंटिन्यू करते रहें। आपका भविष्य आप खुद लिखते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावेहु मेट सकत त्रिपुरारी। जो कुमारी भगवान शिव की पूजा मन से करती है तो उसके भविष्य में उसका भविष्य भगवान शिव बदल देते हैं। मतलब आपके भविष्य में, आपकी आपकी किस्मत में कुछ गलत भी होना लिखा है, यदि आप शिव पूजा करते हैं तो वो होना मिट जाता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि नहीं, मेरी उंगली में चीज नहीं है तो ये मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि यदि आपकी ये उंगली ऐसी है तो समझिए आपका भविष्य बहुत सुंदर है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, जो अच्छा सफल बिजनेसमैन होता है वो मिट्टी को भी सोना कह करके बेच देता है, और जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, वे सोना लेकर के भी बैठे रहते हैं, उनका सोना भी मिट्टी के दामों में बिकता है। चतुर आदमी मिट्टी भी सोने के दाम में बेच करके आ जाता है ना। तो ऐसी बुद्धि आपके अंदर कब होगी, कब होगा आपका भविष्य उज्जवल, उसका बहुत ही अच्छा सिम्टम्स आपके अपनी हथेली में है, और वो है दोस्तों आपकी ये अनामिका उंगली। इसमें शिव जी का वास है, ये कहा जाता है रिंग फिगर जिसे कहते हैं, है ना, ये वाली फिगर, ये कनिष्ठिका के बिल्कुल बाजू वाली, लास्ट से सेकेंड, अंगूठे से देखेंगे तो थर्ड फोर्थ, ये उंगली, बराबर, रिंग फिगर या अनामिका उंगली। अब आपको ये देखना है कि आपकी अनामिका उंगली की लंबाई कैसी है। आपकी ये अनामिका उंगली यदि छोटी है तो दोस्तों आपका भविष्य थोड़ा अंधकारमय होता है, आपका मान सम्मान कम होता है, लोग आपको कम बुद्धिमान में आप गिनते हैं, बिजनेस में या नौकरी में आपकी वो वैल्यू नहीं होती है जो होनी चाहिए, आपको वो सफलता नहीं मिलती है
जो उन लोगों को मिलती है जिनकी ये उंगली लंबी होती है। लंबी से मेरा मतलब है कि जो आपकी ये जो बीच वाली मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली का जो ऊपर का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आधी दूर तक पहुंच जाए तो समझिए आपकी अनामिका उंगली लंबी है। अगर ये अनामिका उंगली छोटी रह जाती है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, जो अनामिका है ये सूर्य की उंगली है, इसी में माणिक धारण किया जाता है। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति जहां कदम रखेगा वहां उसकी वाहवाही होती है, उसका मान सम्मान होता है, दुनिया में वो नाम अपना रोशन करता है। कहीं पर भी नौकरी में, धंधे में, जहां भी वो पांव रखेगा उसका उज्जवल भविष्य इंतजार करता है। बिल्कुल इससे अपोजिट होता है यदि ये उंगली छोटी हो, ठीक है। तो दोस्तों, यदि सूर्य आपको परेशान ना कर रहे हो, आप अच्छे पंडित से पूछे कि क्या माणिक आप धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अनुसार माणिक में यस आता है तो आप अवश्य ही धारण करें, इससे ये दोष मिट जाता है। और दोस्तों, बहुत आसान मैं आपको उपाय बताऊं कि इस उंगली के ऊपर आप ग्रीन रंग की पेन से ये सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है ऊपर वाला, उसमें आप ऐसे एक खड़ी लाइन बना दें और तीन उसमें आड़ी लाइन बना दें, बराबर। हर बुधवार आप सिर्फ ये छोटी सी कोशिश करें, एक ऐसी खड़ी लाइन और तीन उसमें ऐसे आड़ी लाइन सबसे ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट पर। और स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखें, जैसे आप बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो आप इस हाथ से, मतलब इस हाथ का यूज ना करें। यदि यूज करते हैं तो पहले आप इस ग्रीन लाइन को धो दें, उसके बाद ही आप यूज करें, ठीक है। आपको अपने राइट हैंड में, और जो महिलाएं हैं उन्हें अपने लेफ्ट हैंड में इस क्रिया को करना है। आप देखेंगे नौकरी में, धंधे में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जहां भी आप पांव रखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर तर्क शक्ति जबरदस्त आ जाएगी, आपके अंदर अपनी बात को किसी को समझाने का जो पावर है वो भी जबरदस्त होगा। सिर्फ ये लाइन आपको बुधवार के दिन बनानी है, एक खड़ी लाइन बना दे और तीन उसमें आड़ी लाइन बना दे, बराबर। और ऊपर वाले पार्ट में ही आपको इस क्रिया को करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। और यदि आपके कुंडली में सूर्य को धारण करने से आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो तो आप सूर्य उसमें धारण कर ले, मतलब कि माणिक आप इस उंगली में धारण कर ले, आपके जबरदस्त ख्याति बढ़ेगी। तो ध्यान दे, आपकी ये उंगली, अनामिका उंगली किस टाइप की है। यदि लंबी है, आप कोई भी बिजनेस करें, सफलता आपके चरण चूमेगी, बहुत ही सुंदर आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, जय श्री कृष्ण।